और वो फिर ब्लड कहाँ जा रहा है बच्चे के पास, बच्चे ने फिर यूटिलाइज किया, फिर क्या होगा, फिर ब्लड के अंदर कैल्शियम कम हो जाएगा, फिर वही प्रक्रिया दोहराई जाएगी। इसलिए आपने देखा होगा 3 महीने के बाद डॉक्टर आपको कुछ बोले चाहे नहीं बोले, कैल्शियम जरूर आपको बोलता है, वाइटामिन बोलता है, आपने देखा होगा कैल्शियम, फॉलिक एसिड ऐसे बोलते हैं आपको, वजह आपको समझ आ गई। तो इसको मैं और डिटेल में अभी थोड़ी देर में लेके जाऊंगा। तो पहली बात क्या है, अगर हमने देखा यूएस में 2.2 बिलियन लोगों को ज्वाइंट पेन है, पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो 50 बिलियन लोगों को ज्वाइंट पेन है, उसमें से 3 लाख बच्चों को ज्वाइंट पेन है। अगर हम ये कहते हैं ज्वाइंट पेन बच्चों को नहीं होता, ऐसा नहीं। प्लस में रेशियो देखिए फीमेल्स में ज्वाइंट पेन की प्रॉब्लम क्या है, ज्यादा है। अब देखिए फीमेल्स में ज्यादा होने की एक और वजह मैं आपको बताता हूं, और वो क्या है, ये मेंटल, मेंटल। और मेंटल कहां से डिस्टर्ब होता है, स्पिरिचुअलिटी से डेवलप डिस्टर्ब होता है। अब स्पिरिचुअलिटी में क्या आती है कि अगर हम, आप इसको अदरवाइज ना लें, पहले मैं बता देता हूं, इसको आप अदरवाइज ना लें, दिस इज अ क्लास, तो आपको चीजें समझने की कोशिश करनी है। लेडीज में प्रॉब्लम क्या होती है, स्पिरिचुअलिटी लेडीज में ही सबसे ज्यादा होती है और लेडीज में ही सबसे कम होती है। अब स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है आध्यात्मिक स्वास्थ्य, अध्यात्म के तौर पे हम कितने ज्यादा स्वस्थ हैं। अब अध्यात्म में क्या आता है, अगर आपको भय है, आपको ईर्ष्या है, आपको जलन है, आपको लालच है, ये सब सब किसमें किसमें आ जाता है, स्पिरिचुअल हेल्थ में आ जाता है। और इस चीज की एक्सेस आपको पता है कहां, अगर किसी की साड़ी भी पसंद आ गई ना, तो शाम घर पहुंचते पहुंचते उसका दिमाग का टेंपर हाई हो जाएगा और वो चीज ट्रांसफर हो जाएगा उसके हस्बैंड को, यार ये क्या है, ये तो मुझे चाहिए। तो ये जो चीज है, इससे हमारे को क्या होती है, जॉइंट पेन की मेजर वजह है कि हम स्पिरिचुअली हेल्दी नहीं। जैसे आप स्पिरिचुअली हेल्दी नहीं होते, हमें क्या फर्क पड़ता है कुछ भी पहने, यार हम अपने में खुश हैं। अगर हम अपने में खुश हैं तो मेंटल लेवल पे कोई भी स्ट्रेस हार्मोन रिलीज नहीं होता, और जब स्ट्रेस हार्मोन रिलीज नहीं होता तो आपको जॉइंट पेन नहीं होता। आज हम सिर्फ जॉइंट पेन के बारे में बात करें, ये सारी चीजें मैंने ओबिसिटी में ही बताई थी, लेकिन वो एंगल ओबिसिटी का था। अब इन्हीं चीजों में जॉइंट पेन के लिए क्या केमिकल्स हैं, हम आज उसको डील करें। उस दिन हम डील कर रहे थे कि इन्हीं चीजों में वजन को कम करने के लिए क्या चीज है, आज हम बात कर रहे हैं कि इन्हीं चीजों में जॉइंट पेन को कम करने के लिए क्या ऐसा खास केमिकल है, क्या ऐसी खास चीज है जो हमें करेक्ट करती है। देखिए एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, एक स्कूल की प्रिंसिपल फीमेल को सीवियर जॉइंट पेन, वो मेरे पास आई, आज से काफी दिन पहले की बात है, इलाज कर मैंने बड़ी कोशिश कर रही इलाज मुझसे इलाज नहीं हो पाया, मुझे समझ नहीं आया कि इसका इलाज मैं कर क्यों नहीं पा रहा। एक दिन उसको छोड़ने के लिए उसका कोई रिलेटिव आया और बड़े मतलब आधे मन से उसको छोड़ के वहां गया, और जैसे बाहर निकला और पेशेंट को मैंने ट्रीटमेंट के लिए अंदर भेजा, मैंने बाहर लड़के को भेजा, मैंने कहा इसको बुला के ले गया, उसको बुला के ले गया, मैंने कहा आप ऐसे ऐसे क्यों, मतलब ये तो बहुत ज्यादा तकलीफ में है, बहुत ज्यादा परेशान है, आप एकदम से आए और एकदम से छोड़े और चले गए जैसे कोई बोझ। कहते जी ये ऐसी प्रिंसिपल है जो तब तक 10 गालियां ना देते स्कूल में टीचर्स को, तब तक जो चैन नहीं आता, पड़ोसियों से जब तक घर से बाहर निकल के लड़ ना ले चैन नहीं आता, अपने बेटे इसके स्वभाव की वजह से घर छोड़ के दूसरी जगह रहते हैं, बेटा इसके साथ नहीं, हस्बैंड की इसकी डेथ हो गई है, कोई ऐसा बंदा नहीं है सोसाइटी में इसके वर्क प्लेस में जिससे इस पर्सन के एक भी बात तमीज से होती हो। मैं समझ गया उसी समय कि भाई इसका इलाज तो वाकई में संभव नहीं। अब मैंने कहा अब क्या करूं, तो ये तो समझ आ गया कि इसको दवाइयों से तो इलाज हो ही नहीं सकता, दवाइयों से इसका इलाज पॉसिबल नहीं है। मैं सीधा कहां पे स्ट्राइक करने लगा, स्पिरिचुअल हेल्थ पे स्ट्राइक। मैंने उसको बिठाया, थोड़ा सा समझाया,
मैंने कहा मैम ऐसा हो सकता है क्या आप गुड मॉर्निंग करना शुरू करें? वो किसी को गुड मॉर्निंग नहीं करे, स्कूल के प्रिंसिपल है, गुड मॉर्निंग लोग करेंगे वो क्यों करेंगे? तो वो एक टेम्परामेंट है जो उसके घर तक आ गया। उसके बाद मैंने कहा मैम एक बार मेरे कहने पे उस दिन के लिए कोशिश करो कि आप गुड मॉर्निंग बोलना शुरू। उसने गुड मॉर्निंग बोलना कैसे तैसे मन से, जैसे तैसे मन से उसने गुड मॉर्निंग बोलना शुरू। फिर उसने गुड मॉर्निंग बोलना शुरू किया, जवाब में उसने देखा कि जो लोग उसकी तरफ देखते नहीं उन्होंने गुड मॉर्निंग का क्या मतलब होता है ना, आपको कभी कोई गुड मॉर्निंग ना बोले, अचानक से आपको गुड मॉर्निंग बोल दे तो आप भी हैरान हो जाते हैं, गुड मॉर्निंग तो आप कर ही देंगे। आप गुड मॉर्निंग करना शुरू किया। उसने लेकिन ऑब्जर्व किया कि यार ये तो कुछ आसपास चेंजेस है। उसने थोड़ा सा और लोगों से मिलना जुलना शुरू किया, अपने बेटे को कॉल किया, उसको बुलाया कि मैं अब आपके साथ रहना चाहती हूँ। और आप हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ एक महीने के अंदर, एक महीने के अंदर उसका जॉइंट पेन आधा हो। वो लेडी जो चल नहीं पाती थी चलना शुरू कर दिया, और दवाई क्या थी जो मैं दे रहा था वही दे रहा था। तो अगर आप ज्वाइंट पेन के बारे में बात करते हैं, जो ज्वाइंट पेन का सबसे बड़ा कॉज, अगर ज्वाइंट पेन का सबसे बड़ा कॉज अगर बात करें तो वो क्या है, एसिडिटी। अगर एसिडिटी, अब क्या है एसिडिटी, आपकी कहां से रिलेटेड हो जाती है, स्ट्रेस से। जितना ज्यादा आप स्ट्रेस लेंगे, स्ट्रेस क्या हो सकता है, स्ट्रेस तो कुछ भी हो सकता है, हमें तो जीवीडी बनना है जी तो जीवीडी बनना है तो हमें कोशिश करना है ना, स्ट्रेस थोड़ी लेना है। आप जीवीडी बनने, आप अपना टारगेट बनाइए जीवीडी का, जीवीडी का स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जो एग्जाम होता है, एग्जाम होता है, आपका स्ट्रेस लेवल देखिए आप कितना ज्यादा स्ट्रेस लेवल होता है, चार दिन के अंदर आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो ज्वाइंट पेन को करेक्ट कोई भी डॉक्टर नहीं कर सकता। तो ज्वाइंट पेन को करेक्ट करने के लिए सबसे पहली बात है स्ट्रेस कम लीजिए। अब देखिए मैं अपने बारे में बात करता हूं, मैं अभी सिर्फ डायरेक्टर हूं कंपनी में, अब मन कर रहा था सीनियर डायरेक्टर बन जाऊं, फिर मैंने कहा नहीं नहीं सीनियर डायरेक्टर नहीं बनना है, क्या करते हैं एसीडी बनता हूं। फिर मन किया, परसों मन चेंज हो गया, एसीडी नहीं बनेंगे प्लैटिनम बनता हूं। तो प्लानिंग है, बन जाऊं अप्रैल तक शायद बन ही जाऊं प्लैटिनम सीधा डायरेक्टर, नो सीनियर डायरेक्टर, नो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नो एसिडी, ईश्वर ने चाह तो सीधा प्लेटिनम भी बन सकते। प्लानिंग, प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है। आप किसी का टांग खींच के प्लेटिनम नहीं बन सकते, आप किसी का टांग खींच के जीबीडी नहीं बन सकते, आपको जीबीडी बनने के लिए प्लानिंग करना पड़ेगा। आप किसी को नीचा दिखा के, नीचे दबा के, किसी के मेंबर को छीन के आप कैसे बन सकते हैं जीबीडी, नहीं बन सकते। जीबीडी बनने के लिए प्लानिंग कीजिए और दिमाग को रिलैक्स रख के प्लानिंग कीजिए। आप एकदम घर से निकले तंतनाते हुए निकले और पता लगा फोन आ गया जी आपके पास कि हाँ जी प्लानिंग समझाने आ जाओ, प्लान समझाने आ जाओ। भाई प्लान कैसे समझाने आ जाओ, दिमाग में तो एकदम फुतूर चढ़ा हुआ है, गुस्सा आपको आ रहा है और आप प्लान पहुंचाने समझाने पहुंच गए। कल मैं एक आदमी को प्लान समझा रहा था, अलीगढ़ से आया था, पहले मुंह बनाने बैठ गया मेरे सामने। अब क्या करूं भाई, बहुत मुश्किल मतलब बंदे की कोई, अब क्या बोलूं मैं, छोटी बात होगी, कोई बंदे की औकात नहीं और बंदा मुंह बना के बैठ गया। मैंने उसको समझाना शुरू किया, सब कुछ समझा समझ दिया। उसके बाद वो क्या कहता है, इतना ही अच्छा आपका प्रोडक्ट है तो कंपनी फिर एड करे क्यों नहीं बेच लेती।